मसूरी में आने के बाद लाजमी है कैंपटी फॉल पे आप ज़रूर आना चाहेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे दो तरह के कैंपटी फॉल होते हैं, एक प्राइवेट होता है जो जिसमें मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पे टिकट लगता है, और एक आपका जो आम पब्लिक के लिए है, हाँ वहाँ पे होता है। ये मैं इस वक्त हूँ यहाँ पे इस प्राइवेट कैंपटी फॉल में, यहाँ पर हेड 100 रुपये का टिकट है, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं रोमांचक जिनका आप लुत्फ उठा सकते हैं। कैंपटी फॉल में हम इस वक्त है, लेकिन हल्की हल्की बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है। दोस्तों पहले भी हालांकि यहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस टीम के साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ तो आज एक बार पुनः फिर हाजिर हूँ कैंपटी फॉल में। यही है कैंपटी फॉल मसूरी, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। इस वक्त हाजिर हूँ दोस्तों कैंपटी फॉल मसूरी में। सूरी कैंपटी फॉल से हम लोग आए थे और बारिश हल्की हल्की सी रास्ते में ही शुरू हो गई थी। दोस्तों देखिए बारिश हो रही है यहाँ पे मसूरी में। इरादा था कि मसूरी रुकेंगे, लेकिन मौसम की नज़ाकत देखते हुए फैसला लिया कि मसूरी नहीं रुकते, शायद बारिश शुरू हो उससे पहले ही हम पहुंच जाते हैं देहरादून। लेकिन मौसम ने हमारे जो इरादे थे उनकी कोई भी परवाह नहीं की और बड़े ही बेरहमी से शुरुआत हो गया यहाँ का मौसम। फिलहाल तलाश है एक किसी बेहतरीन से, अदद से, खूबसूरत से, हर फैसिलिटी युक्त होटल की, कहीं यहीं पे आसपास हो। मैंने डिसीजन ले लिया कि यहाँ से अब वापस जा रहे हैं मसूरी, और मेरे दोस्त ने मुझे दे दिया इस मौसम का दशहरी आम। इस ये आम इस मौसम का पहला तो नहीं कह सकता, लेकिन मसूरी में आके और मैं बारिश के बीच में खड़ा होके इस हाईवे पे मसूरी वाले आम खा रहा हूँ। ये सामने बहुत ही स्वादिष्ट आम है, आता प्लान से ही है, हमारे जैसे एरिया से आता है। मेरे चश्मे के ग्लास पे कुछ पानी की बूंदें गिर गई है। आम और समोसा दो ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी अपनी जात में सबसे अच्छे नंबर पे होती है, लेकिन बावजूद उसके भी वो कई समाज के बीच में खड़े होकर बैठ के रह के खाने के लायक नहीं है। आप कितना भी संभल के खा लो, कोई ना कोई आपको बेइज्जत करने का वो फल और वो समोसा अपना रास्ता ईजाद कर ही लेता है। ये यहाँ एक टी पॉइंट है, ये देखिए, ये इधर से जो रास्ता आया हुआ है, ये गाड़ियाँ हैं, ये मसूरी से आ रही है, वो गाड़ियाँ देहरादून की तरफ से आ रही है, वो रास्ता जो है यहाँ पे धनोल्टी की तरफ गई हुई है। मैं आम खा लूँ उसके बाद ही बात करूँगा।